कोई जादुई ताकत सन को तबाह कर रही थी और इसका इलाज क्वीन के पास था। इसीलिए क्वीन से मिलने जैक्सन और सुजी सन किंगडम के कैपिटल सिटी में आ पहुंचे। आइए आइए, ये देखिए, यहाँ है ईस्ट मिडलैंड के दुर्लभ खजाने। बस कुछ ही बचे हैं लीजेंडरी स्पिरिट चीज, और आपको मैं ये दूंगा बहुत ही कम दाम में। सुनिए बच्चों, यहाँ आइए, मशरूम बैंक की ऑटोग्राफ फोटो लीजिए। अरे हमारे मास्टर कह रहे थे दुनिया में बहुत तनाव है, सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, पर यहाँ तो ऐसा नहीं लगता। हो, सन सिटी कितनी खूबसूरत है ना सुजी। अरे आओ बच्चे, यहाँ आओ। ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत है, ये अंगूठे भी कितने सुंदर है। जैक्सन बताओ ना मैं कौन सी लूं, बताओ ना। तुम लड़कियां भी ना, शॉपिंग के अलावा तुम लोगों को और कुछ भी नहीं दिखता। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से तुम एक वॉरियर हो। हाँ हाँ सर, बोलिए, आप मुझसे कुछ कह रहे थे, बोलिए ना क्या कह रहे थे। ऐसी दुर्लभ चीज तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगी, कभी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा सन सिटी का रखवाला इसका ही इस्तेमाल करता था। हाँ, इस तलवार के साथ तुम दुनिया के ताकतवर इंसान लग रहे हो। मुझे पता है सुजी। ये खास तुम जैसे रक्षक योद्धाओं के लिए ही बनाई गई है। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस तलवार का असली मालिक मिल गया है। आप बहुत अच्छे अंकल जी, मेरे जैसे लोगों को ढूंढकर आप उन्हें शस्त्र पहुंचाते हो। लाओ 1000 सोने के कॉइन्स। क्या इसके पैसे देने होंगे, मुझे लगा फ्री है। बच्चे बात को समझो, ये दुनिया के रखवाले की तलवार है, दुनिया में इसका कोई जोड़ नहीं। छोड़ो, 100 में बेचना है तो बेचो, वरना मैं चला। अरे भाई 300 भी चलेंगे, मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। 300 चलेगा, 300 भी बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें ये अच्छी लगी है तो तुम इसे खरीद लो। फिजूल में पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं है। ज्यादा मत सोचो, अगर कोई चीज तुम्हें पसंद हो तो तुम्हें ले लेनी चाहिए। पैसे का पेड़ पर रुकते हैं। देखो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं लेनी तो मत लो, और वैसे भी हमें क्वीन से मिलने में देर हो रही है, चलो। ये तलवार वाकई में मुझ पर सूट कर रही है। पर अब ये मुझे चाहिए, ये लो पैसे। अरे मैं तो माला माल हो गया। तुम इस तरह किसी और की तलवार कैसे छीन सकती हो। तुमने पैसे कहाँ दिए। मैं बस दे ही रहा था। मैंने पैसे दे दिए, तलवार मेरी हुई, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। यह न्याय है, गलत है, तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हें क्या हुआ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, परी जैसे कपड़े पहने हैं तुमने दीदी। ये तो इस सीजन का नया फैशन है, वो सामने वहाँ शॉप में और भी नया कलेक्शन है। क्या अगली बार तुम मुझे वहाँ पर ले जाओगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं, वैसे भी उस शॉप में मुझे सब जानते हैं। बहुत बढ़िया, ये पक्का रहा, शुक्रिया, मैं जरूर आऊंगी। दीदी मुझे ले चलना। बेटा डीपी, बेटा डीपी कहाँ हो तुम, बेटा डीपी। हाँ ये क्या, यहाँ भी आ गए। आइडिया, सुनो उन्हें बताना नहीं कि मैं यहाँ छुपी हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सच में हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके थैंक यू, पर मैं चिल्लाऊंगा। वो यहाँ पेड़ के पीछे है, जल्दी यहाँ आ जाइए अंकल। बेटा डीपी रुक जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगी। असल में उस सनफ्लावर विजार्ड का एक जुड़वा भाई भी था, वो एक दूसरा हीरो था जिसने इस तलवार का इस्तेमाल करके दुश्मनों पे जीत हासिल की थी। बच्चों, बच्चे क्या ये तलवार तुम्हें नहीं चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं ना, सनफ्लावर विजार्ड का कोई भाई नहीं था। आप झूठे हैं। चलो हम महल चलकर क्वीन को ढूंढते हैं। सुजी तुम तैयार हो। अब करते हैं कमाल, बनाओ बनाओ पेंटिंग बनाओ। कौन हो तुम लोग,
बच्चों यहाँ पेंटिंग करना मना है। हम अब बच्चे नहीं हैं, मैं हूँ जैक्सन। और मैं सूजी हूँ। तुम कोई भी हो, मुझे उससे क्या, ये क्वीन का महल है, यहाँ किसी को भी पेंटिंग करना मना है। और अंकल, क्या क्वीन अभी महल में है? हाँ हाँ बेटा, क्वीन अभी महल में ही है। हाँ, हम यहाँ क्वीन से मिलने के लिए आए हैं, आप हमें उनसे मिलवा देंगे प्लीज 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 प्लीज? इतना आसान नहीं है। कहाँ गायब हो गए, कहाँ गए दोनों बच्चे? ये क्वीन का महल है, ये कोई खेल का मैदान नहीं है, दोबारा यहाँ नजर मत आना। मतलब हमारे मास्टर झूठ बोल रहे थे कि क्वीन के महल में सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो लगा था सब लोग हमारा अच्छी तरह से स्वागत करेंगे। और मुझे तो क्वीन के अच्छे अच्छे कपड़े भी देखने थे। हाँ? वैसे हम रात में चुपके से अंदर आ सकते हैं। वो क्या था? मुझे नहीं पता, पर वो कुछ पढ़ रहे हैं। सोलर एनर्जी का कॉन्टेस्ट जल्दी हमारी सिटी में शुरू होने वाला है। सिलेक्शन विनर को क्वीन प्राइज देगी, क्वीन प्राइज देगी, इसे हमने क्वीन से मिलेंगे। शक्ल से तो ये लोग जासूस नहीं लगते, पर इन्हें क्वीन से क्या काम होगा? वाओ, ये तो बहुत पावरफुल लग रहा है। वो देखो स्पाइडरमैन। अरे ये तो वही तलवार चोर है। तुम्हारी ये हिम्मत, मुझे तलवार चोर कहा? हेलो दीदी, क्या तुम भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हो? ये तो मेरा बचपन का सपना है, जब मैं छोटी थी तब से मुझे एडवेंचर पसंद है। अगर इस बार मैं सिलेक्ट हो गई तो मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। तुम चुप रहो। सभी लोग कृपया ध्यान दीजिए, अब कॉन्टेस्ट शुरू होने जा रहा है। हाँ, प्रतियोगी ज्यादा होने की वजह से सिलेक्शन में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो सारे प्रतियोगी यहाँ पर मौजूद हैं, और अब आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए कि पहले अपनी कला कौन दिखाएगा, और इसके लिए आखिर तक स्टेज पर टिके रहना जरूरी है। अब तुम्हें दिखाता हूँ पावरफुल मीटा का फ्लो। देखो वो तलवारबाज कितना फनी है। ए तुम, तुमने सुना नहीं, पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पे बुलाया है। पर वो लोग तो लड़ रहे हैं। लेकिन फाइटिंग करने से हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, चलो तब तक हम लोग कुछ खा कर आते हैं। जैक्सन, मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। ग्रेट सन, मुझे इस दुश्मन से लड़ने की शक्ति दो। ब्यूटी पीस सोल्जर। फिर से फेल हो गया। पानी का फोर्स, भादो इसे। इनके पास पावर्स तो है, बट इनको पता नहीं कि इन्हें यूज कैसे करे। ये तो बड़े कमजोर है। साइक्लोन वाला मैजिक। और टाइम अप, जो भी स्टेज पर टिके हुए हैं उन्होंने फर्स्ट राउंड पार कर लिया। मैं जीत कैसे गया? इसने तो मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जीतेंगे। अगली बार कुछ और ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। ये लेवल तो कंप्लीट हो गई, पर फाइनल जीतूंगा तो मैं ही।